कोई भी एक कस्टमर साइकोलॉजी वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को सामने से कुछ ना कुछ तो रिप्लाई, इमीडिएट रिप्लाई है, इमीडिएटली। तो वो जिस इंटेंशन से आपको अपना कॉन्टेक्टेशन दे रहा है, उसका इंटेंशन सबसे पहले वहां पर यह है कि मेरे को प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिले। हे गाइस, माय नेम इज पवन राज होता है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सम रियल एस्टेट सेल्स टिप्स, ठीक है। मैं पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एज ए रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर या फिर कंपनी, आपको जब आप रियल एस्टेट सेल्स करते हो, आप जो भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते हो या फिर सेल्स करते हो, यानी कोई कस्टमर विजिटिंग कर रहा है या फिर कोई कस्टमर आपसे खरीदना चाह रहा है या फिर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है और वो आपसे वो फ्लैट है, फिर जो भी आपका रियल एस्टेट है वो खरीद रहा है, ठीक है। तो वो खरीदने की जो भी उसकी जर्नी है, इसमें कुछ दिक्कतें आती है जो शायद आपको ना पता हो, बट एज अ कस्टमर, कस्टमर को ये फील होता है। हो सकता है कस्टमर आपको ना बताए, बट ये चीज आपके रियल एस्टेट सेल्स में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टिप है कि आप अपना जो है एक वेबसाइट बनवा के उसके ऊपर आप एक हर लिस्टिंग का, जो भी आपके लिस्टिंग्स है 1 2 3 4, हर लिस्टिंग के लिए आप एक लैंडिंग पेज बना के रख सकते हो, ठीक है। और लैंडिंग पेज होता क्या है, मैं आप तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज पे बेसिकली इसका इंटेंशन ये होता है एक लैंडिंग पेज का कि एक सिंगल एक्टिविटी आपके विजिटर, कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी जैसे कि अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे, तो सिंगल एक्टिविटी आपका कस्टमर ले, ये उस पेज का जो है इंटेंशन होता है। तो ये लैंडिंग पेज है जहाँ पर कोई भी हम किधर पे उसको रिडायरेक्ट नहीं कर रहे, किधर पे उसको लेके नहीं जा रहे, बस एक ही इंटेंशन है, वो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, हमने उसको बता दी ये प्रोजेक्ट डिटेल है, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आके यहाँ पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आपको अगर अच्छा लगता है सब चीजें और सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसमें एफएक्यू भी दे दिया है और स्पेशल ऑफर अगर कुछ दे रहे तो वो इतने दिन में, इतने टाइम में खत्म हो जाएगी, क्या कुछ ऑफर है, सब कुछ आपने अपने लैंडिंग पेज के ऊपर दे दिया। लेकिन मैनुअली आपको कुछ बताना ना पड़े कस्टमर को, या फिर कस्टमर को कोई डाउट ना रहे, सब कुछ एक पेज के ऊपर आपने बता दिया। तो ये है लैंडिंग पेज, ठीक है। अभी नंबर 2, आप मैंने देखा है कि इसमें होना चाहिए, आई पर्सनली फील कि मे बी आप 1 2 BHK कोई भी फ्लैट आप सेल कर रहे हो, तो आप एक डेमो फ्लैट रेडी रखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसके फोटो कस्टमर के शेयर कीजिए, इंस्टेड ऑफ एक खाली फ्लैट 4 दीवारें छत, इतना शेयर करने के बजाय आप अंदर का जो कस्टमर है, जहाँ पर वो रहने वाला है, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करने वाला है, वो जगह अगर आप उसको अच्छे से नहीं बताएंगे तो हाउ विल ही बी गोना डिसाइड, उसको कैसे चूज करने में हेल्प होगी कि ये चीज सही है नहीं। एटलीस्ट एक फ्लैट आपका वो फुल पैक्ड रखिए विद फर्नीचर, मतलब जो भी एक फर्निश रखिए कि जिसमें आप टीवी है, सोफा है, पलंग है, पूरा वास्तु के हिसाब से आप रख सकते हैं और बता सकते हैं कि पूरा वास्तु के हिसाब से हमने रखा है, या फिर मंदिर हो, छोटा सा घर पे स्टडी टेबल और लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ, जो घर में चीजें होती है ना वो सब के सब चीजें, किचन किचन में भी सब चीजें अच्छे से हो, और वो आपका एक मॉडल फ्लैट बोल के आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो कि हमारा मॉडल फ्लैट है और आप ये मॉडल फ्लैट को आपको अच्छा लगा तो मे बी आपका घर सेम एग्जैक्टली रहेगा। सो बेसिकली कस्टमर के दिमाग में इमेजिनेशन स्टार्ट शुरू इमेजिनेशन वो शुरू कर देगा अपने दिमाग में कि अरे हाँ, सेम प्रोजेक्ट है, मतलब सेम अपने को फ्लैट है बाजू में जो कि खाली है बट एक भरा हुआ है, तो मेरा जब सामान यहाँ पर आएगा तो मेरा घर ऐसा दिखेगा, जबकि आया नहीं है, पर आने के बाद वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देगा एंड इट विल हेल्प हिम और हर टू टेक अ डिसीजन कि आपका प्रोजेक्ट उसने परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हैव अ मॉडल प्लान रेडी, इट्स अ वेरी वेरी गुड। डेमो फ्लैट रेडी, ठीक है। नंबर 3 बोलूंगा, बोलूंगा मैं मार्केटिंग ऑटोमेशन। अभी देखिए होता क्या है कि जो कस्टमर है आज के टाइम में उसका पेशेंस नहीं, ठीक है। अगर वो कोई चीज वो चीज अगर अपनी खुद की पर्सनल चीज में भी पैसा हो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो किसी को अगर देता है, तो कोई भी एक कस्टमर साइकोलॉजी वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को सामने से कुछ ना कुछ तो रिप्लाई, इमीडिएट रिप्लाई है, इमीडिएटली। तो वो जिस इंटेंशन से आपको अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका इंटेंशन सबसे पहले वहां पर यह है कि मेरे को प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिले, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स। प्रोजेक्ट की डिटेल्स में आप फोटो वीडियोज
वो सब कुछ हो सकती है। तो आप प्रोजेक्ट के डिटेल्स आप इमिडिएटली उसको सेंड करें। इसके लिए आपको चाहिए होगा मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसमें आप क्या कर सकते हो, अब जैसे कोई लीड आती है, वो लीड को ऑटोमेटिक SMS या फिर ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स उसको चली जाए। आपने जो लैंडिंग पेज बनाया वो लैंडिंग पेज उसको चला जाए, जो मॉडल प्लान आपने बनाया उसका एक डेमो वीडियो आपने बनाया वो उसको चला जाए, ठीक है। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन में आप ये सब चीजें कर सकते हो। इमिडिएटली उसको कुछ ना कुछ तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल कि हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर कि हो सकता है नहीं, बट हो सकता है आपके पास जो लीड्स है डेली के 1,000 2,000 आ रही है और आपकी टीम भी काफी बड़ी हो, तो आप इमिडिएटली कॉल करें। जैसे लीड आई इमिडिएटली आपने कॉल करा, ये अगर आप कर सकते हो तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टफ। नहीं कर सकते एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि प्रोजेक्ट डिटेल ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाए, तो इट विल हेल्प हिम और हर टू टेक डिसीजन फास्ट। क्योंकि उस समय जब उसने अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, तो उसका इंटेंट है खरीदने का, लाइक उसका इंटेंट है, तो हो सकता है कि वो भाई के भी अपना दिल बना ले कि नहीं यार मेरे को ये खरीदना है, लाइक हो सकता है, ठीक है। सो होपफुली यू गाइज यू लाइक इट सब सेल्स टिप्स, एंड अगर आपको कुछ डाउट है, आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं या फिर कुछ और चीजें मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। मैं एज अ वाइट कलर फ्रीलांसर भी काम करता हूँ या फिर डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भी काम करता हूँ। मैं भी करंटली क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। सो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे को हायर करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी वेबसाइट के थ्रू। सो सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Yeah.